बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाइट टॉकीज एपिसोड नंबर 1818। आज का टॉपिक है बैनिंग ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक पाकिस्तान में जो बैन हुआ है, इसके पर बहुत सी सोशल मीडिया पे जो लोगों की पोस्टें आपने देखी होंगी, डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ हैं, बहुत सी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इसे काफ़ी अच्छा स्टेप कहा जा रहा है। आज मैं आपके सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एज एन इंडिविजुअल देखें तो ना मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ और वैसेली पर्सनली आई डिसलाइक दिस टिकटॉक ऐप। मुझे मेरा उसमें एप्टीट्यूड ही नहीं है उसका। तो बहरहाल उसको अलग रखते हुए असल बात की तरफ आते हैं कि मसला क्या है। क्या कोई भी ऐसी चीज़ जो हो उसको क्या बैन करना ही हल है? अगर आपने टिकटॉक को बैन किया है, फेसबुक पे जो पेजेस चल रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? जो फेसबुक पे फाशी के अकाउंट्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? जो टीवी आपके घरों में चल रहा है, अब तो मैं खल हर एक के घर में स्मार्ट टीवीज़ हैं, तो जो स्मार्ट टीवीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उस पर नेटफ्लिक्स भी लोगों ने लिया होगा मैक्सिमम ने, तो जो नेटफ्लिक्स लिया हुआ है उसकी ज़रा आप मुझे बता दें, कोई भाई मुझे बताएं कि नेटफ्लिक्स पे क्या है जो टिकटॉक पे शायद उसका 0.00001% भी टिकटॉक पे नहीं है जो नेटफ्लिक्स पे है। इसी तरह आप यूट्यूब की बात कर लें तो यूट्यूब पे क्या है, चले जाएँ 1000 चैनल्स पे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट तो बात ही ना करें, बच्चे को पता है ओपन प्रॉक्सीज VPN लगा के तो आप हर वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ये अपने आप को झूठी तसल्ली देने की है, समझें कि मिसाल कि जी हमने चीज़ें ब्लॉक की हुई हैं, नेट जो है वो ब्लॉक नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आप स्मार्टफोन्स के बारे में क्या ख्याल करते हैं? स्मार्टफोन्स क्यों यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स? अजीब अजीब नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं जिनका आपको पता भी नहीं है। गूगल नोटिफिकेशन फेंक रहा होता है, किस तरह बंद करेंगे? बंद कर दें इंटरनेट को, स्मार्ट टीवीज़ को बंद कर दें, सब ऐप्स बंद कर दें। ड्रामे पाकिस्तानी माशाल्लाह, ड्रामे तो बहुत ही एथिकल है। जो आपका सोशल मीडिया तो चलें एक तरफ है, तो ड्रामे बहुत एथिकल है, वो तो आप सारे घर में बैठ के देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देर इज़ नो लिमिट। यूट्यूब अगर ये सारी बुराइयाँ, अच्छा ट्विटर को तो मैं भूल ही गया, ट्विटर पे तो वो कुछ है कि जो कि शायद उसका जिक्र करना ही जो है वो इधर हराम है। तो बात कहने का मकसद ये है कि बैन करना जो है वो असल इशू को एड्रेस नहीं करता। वी नीड टू बिल्ड आर करेक्टर, जो अपने बच्चों की करेक्टर बिल्डिंग है ना वो करें, बजाय किसकी आँखों को ब्लाइंड फोल्ड करने के आप उसको करेक्टर बिल्ड करें। या तो फिर आप ओल्ड एज में उस वो जो एक अभी भी वर्ल्ड में एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जो वो ऑर्गेनिक सोसाइटी है, जो स्टोन एज के अंदर फंस गए हैं कि जी हमने कोई भी दुनिया के साथ नहीं चलना, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलना, तो वो उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई हुई और वो उसी में फंसे बैठे हैं। तो पर ठीक है, आप उन लोगों के साथ शामिल हो जाएं। ना हम तीतर ना बटेर, अपने बच्चों को आप तालीम देते नहीं हैं, उनकी करेक्टर बिल्डिंग करते नहीं हैं और आप कहते हैं वाह गुड हो गया जी टिकटॉक गया। कल को यूट्यूब के बैन होने के करीब करीब चांसेस थे, यूट्यूब बैन हो जाना था, फेसबुक बैन हो सकता है, हर चीज़ बैन, मैं कहता हूँ हर चीज़ बैन हो जानी चाहिए पाकिस्तान में। नेट ही इसकी जो ओशन से 3 केबलें आ रही है ना, वो ही कट कर देनी चाहिए। ना बुराई रहेगी, ना उसकी जड़ रहेगी, ना बुराई बचेगी। ये नेटफ्लिक्स ड्रामे सब पे पाबंदी होनी चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल सोशल मीडियाज, ऑल ड्रामाज, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, सब घर में बंद हो जाएं और जो है वो
डार्क एजेस में चले जाएं। बात यह है कि आपको बाज़ार में जाएं, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, तो फिर ऐसा करें कि आंखों पे पट्टियां बांध लें और चले जाएं। आपको पता नहीं है वीकेंड्स पे क्या पार्ट, फिर फार्म हाउसेस का क्यों इजाज़त दे रहे हैं? सारी दुनिया को पता है, चले जाएं फार्म हाउसेस में, क्या हो रहा है? चंद लोगों को छोड़ के मैं जर्नली बात कर रहा हूँ, फिर चले जाएं ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, आप अपने सोसाइटी में देख लें ज़रा, अपार्टमेंट्स देख लें, कौन कौन सी बिल्डिंग चल रही है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप जुलूस निकालते? बात यह कि अपनी करेक्टर बिल्डिंग करें ना, आप उस चीज़ को देखते क्यों हैं जो आपसे कंसर्न नहीं है? YouTube पे 1000 इस्लामिक, मिलियंस ऑफ इस्लामिक चैनल्स हैं, मिलियंस ऑफ साइंटिफिक चैनल्स हैं, मिलियंस ऑफ गुड स्टफ है जो स्टूडेंट्स उससे हेल्प लेके सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लोगों ने फ्री बेकिंग क्लासेस चला रहे हैं, फ्री आपको फिजिक्स की क्लासेस दे रहे हैं, फ्री मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहे हैं, फ्री एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही है, फ्री इलम बट रहा है। उसको आप नहीं गिनेंगे, आपने बुराई को ही हिट करना है कि जी बंद कर दो वो। मैं अब तो इस चीज़ पे एग्री हो गया हूँ कि जिस ज़माने में कहा था ना ये लाउड स्पीकर फतवा लग गया था कि ये लाउड स्पीकर जो है ये हराम है, ये शैतान का गला है, शैतान की आवाज़ है। मेरा ख्याल है वो सही था, हमारी कौम के लिए ठीक था, क्योंकि आज वही लाउड स्पीकर हमारे यहाँ फ़िरका वारियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है इसी लाउड स्पीकर से, उसका मिसयूज़ हो रहा है। बात यह कि अगर आपने एक चीज़ इजाद कर ली है तो उसकी यूटिलिटी पे बात करें ना, बच्चों को सिखाएं कि यार आप फिर अच्छा फिर थाईलैंड जाते हैं विजिट करने, अमेरिका चले जाते हैं, और चले जाएं आप फ्रांस में चले जाएं, मुझे बता दें पेरिस की स्ट्रीट्स पे रात को क्या हो रहा होता है। आप सब कितने कितने जो ये हैं सारे बाहसियत लोग हैं, कौन फॉरेन ट्रिप पर नहीं गया हुआ? टिकटॉक बैन करने पे झंडे लगा रहे हैं जिस तरह पता नहीं दुनिया फतह कर ली है। वो भाई आप देखते क्यों हैं टिकटॉक? किसने आपको मजबूर किया कि टिकटॉक खोलें, प्रेस करें, वीडियोस देखें? व्हाट्सएप के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल बैकबोन है गंदगी, बंद करें ना पहले, सबसे पहले व्हाट्सएप को आप क्यों नहीं करते? जो आपकी सिक्योरिटी लीक्स भी हैं, सिक्योरिटी हैजर्ड भी है, व्हाट्सएप को क्यों नहीं बैन कराते आप? हर गवर्नमेंट का पेपर लीक व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, हर चोर डाकू व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, बंद करवाएं व्हाट्सएप को फिर। क्यों टेक्नोलॉजी को गलत साइड पे लेके जाते हैं यार? बैनिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपने वही चैनल देखना है जिस पे जो है वो गलत चीज़ आ रही होगी, नेटफ्लिक्स पे वही चीज़ देखनी है जो गलत आ रही होगी। क्यों भाई? आपके इधर अल्लाह ने सोच दी है ना बदी और अच्छाई। वो क्या कहते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, वो सब ने फेसबुक पे पढ़ा होगा कि इंसान के अंदर एक भेड़िया जो होता है ना वुल्फ पल रहा है, उस वुल्फ को आप चाहे ईवल और उसमें गुड फोर्सेस में मुकाबला होता है, अगर उसको आप बुरी चीज़ें खिलाएंगे तो वो ईवल में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सारी पावर, नहीं तो क्या होगा कि आप एक फरिश्ता इंसान बन के निकलेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से ये था कि यार टिकटॉक एक ऐप है, इसके अंदर आप पॉजिटिविटी देखें जो लोग इसकी यूज़ कर रहे हैं। आपने ज़रूर उन एलिमेंट्स को उजागर करना है जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इस तरह तो सोशल मीडिया ही मिसयूज़ है, ये टेक्नोलॉजी ही मिसयूज़ है सारी। कोई दुनिया की कोई आप नाम ले दें जो इस्लामिक उसूलों की पाबंद हो, आप मुझे फ्रेंकली बता दें जो शरी उसूलों के पाबंद हो, कोई एक टेक्नोलॉजी की सिंगल इजाद मुझे बता दें जो आपकी शरी उसूलों पे तंग हो, पूरी उतरती हो। टीवी, केबल, डिजिटल चैनल्स आ रहे हैं ना, चैनल आप वो देखें जो देखने के काबिल है, यूट्यूब पे वो चीज़ देखें जो आपको फ़ायदा दे रही है। मार्केट्स, प्लाजाज, फैशन इंडस्ट्री बंद कर दें, फिर फैशन शोज़ क्यों नहीं बंद करते? ये जो फैशन डिज़ाइनर्स कपड़े डिज़ाइन करें इनके खिलाफ़ क्यों नहीं निकलते? देख लें जो लॉन, एक क्या हमारे ज़माने में 200 रुपए का लॉन का सूट मिलता था, लॉन अब कितने कितने 14,000 20,000 पता नहीं कितने का सूट है, और औरतों की लाइनें लगी होती हैं, दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। इसी तरह मर्दों की अपने कोई शौक होंगे, कोई गैजेट, कोई सेल आ गई है तो वहाँ पर वो निकल गए, टेंट लगा के बाहर के मुल्क में तो बड़ी लाइनें लगी होती हैं कि मैं बाहर बैठ जाऊँ कि अभी दरवाजे से खुलेंगे, सेल होगी तो हम भाग जाएं।
तो बी पॉजिटिव, अपने आप को एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, ताकि वो अपने कदमों पे खड़े हों तो उनको पता हो कि गुड और ईवल क्या है। तो आपके यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी करेक्टर बिल्डिंग करें, बजाय या तो फिर स्टेप कर लें कि या स्टोन एज में चले जाएं, लेकिन किस तरह करें, मैं किस तरह मान लूं, जब मेरे अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है कि तफक्कर करो, चाहे साइंस के एक एक कुरान की आयत में जिस तरह मफहूम है कि हमने क़यामत तक का इसमें हर चीज़ का जिक्र आ गया हुआ है। कल ही वो तफक्कर के ऊपर मैं पढ़ रहा था आयतें, तो ऐसी ऐसी उसके ऊपर भी मैं एपिसोड करूँगा, आप आँखें खुलें ताकि आपकी कि कुरान में अल्लाह ने क्या क्या फरमाया है। तो ये ज़्यादा तो आप काफिर कर रहे हैं उनकी इस्तेमाल, अच्छा चीज़ भी हम उनकी खाएंगे और उनकी बदखोइयाँ भी करेंगे, या मुसलमान ख़ुद इल्म हासिल कर लें, ख़ुद पढ़ लें और ख़ुद अपनी चीज़ें बना लें। इस्लामिक कैमरा, इस्लामिक टीवी, इस्लामिक एसी, इस्लामिक फ़ैन, और भाई आप एक आईसी तक तो बना नहीं सकते, तो काइंडली अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दें, इस्लामी टीचिंग्स के मुताबिक उनकी अपब्रिंगिंग करें और उनको बताएं कि ट्रू इस्लाम क्या है, ताकि जब वो पाँव पे अपने खड़े होके प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाएं और नौकरी करें तो अपनी नज़रें नीचे रखें, किरदार उनका उभारें। उधर कौन उनकी आंखों पे पट्टी बांधने वाला कोई नहीं होगा जब वो अडल्ट होंगे, उस वक्त वो होगा या उनका खुदा होगा या आपकी दीवी, उनकी जो है वो अपब्रिंगिंग उनके साथ होगी जो आपने उनको इल्म ट्रांसफ़र की है। तो ये बैनिंग शैनिंग पे खुश होने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब भी बंद रहा, फलाना भी बंद रहा, सब कुछ बंद कर दें, हमारी तरफ से तो कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोगों के ज़रिए माश फेसबुक है, कई लोगों का ज़रिए माश यूट्यूब है, तो आप इस पॉजिटिविटी देखें, बी पॉजिटिव, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें, आप गंद की तरफ मत उछलें। ठीक है, हर चीज़ का गलत इस्तेमाल होता है, हर चीज़ का होता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था, सिर्फ टिकटॉक ही नहीं गलत, हर चीज़ ही गलत है फिर तो। काइंडली बस मैं यही आपसे अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता था, किसी की दिल आज़ारी हो, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, किसी की दिल आज़ारी हो तो काइंडली मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। ये मेरे अंदर मैं चाहता था, मेरा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि आप करेक्टर बिल्डिंग करें, बजाय कि लोगों की आंखों पे हाथ रखें, उनके ब्लाइंड फोल्ड करें, किन्ने के बजाय उसको बताएं कि ट्रू इस्लाम क्या है, करैक्टर क्या होता है। जब तक हमारे करैक्टर बिल्ड नहीं होंगे ये नेशन आगे नहीं जा सकती। तो वंस अगेन आई सीक अपॉलोजी फ्रॉम दोज हु आर रियली हर्ट बिकॉज ऑफ माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, तो माफ़ी का मैं तलबगार हूँ। अगर किसी को हर्ट हो, कोई मुझसे गलत ज़ुबान से कोई फिक्रा निकल गया हो तो उसकी भी माफ़ी, कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई गलत बात कर दी हो तो वो भी मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, तमाम उलमा कराम से भी मेरी माफ़ी है कोई अगर मुझसे गलत हो। मकसद ये कि इसमें हमें इस्लाम की ट्रू टीचिंग्स अपने बच्चों को जो है देनी चाहिए, उनका करैक्टर बिल्ड करना चाहिए, सिर्फ मेरा वन पॉइंट एजेंडा था, बजाय कि जी कल को फिर बिजली भी बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, बैकवर्ड एरिया में चले जाएं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बर्दाश्त किया, और इंशाल्लाह नाइट टॉकिस में ये हम ऑफ द ट्रैक हमने एक थोड़ा सा एपिसोड किया, क्योंकि साथ साथ सोशल इश्यूज़ को भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह फिर हम बैक टू एक सूरत का, मैंने क्वांटम फिज़िक्स का सूरह असर का मैं ज़िक्र करूँगा, सूरह असर की इंटरप्रिटेशन जो है शॉर्टेस्ट सूरत है, ज़ाहिर बात है इसके ऊपर मैं क्वांटम फिज़िक्स के जो असूल बताए हुए अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया है वो कितना एग्जैक्ट पत्थर पे लकीर यानी सच्चाई और उसकी हकीकत है, और मैं उसको क्वांटम फिज़िक्स से प्रूफ करूँगा जो मेडिकल साइंस के साथ लिंक्ड है। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम मिलेंगे। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट एपिसोड, फिर हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू।